गाना एक्चुअली 8 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था, बट आई रियलाइज कि मैं गा सकता हूँ एट अ मच लेटर स्टेज, एट द एज ऑफ 15, जब मैंने स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी एक रिस्पेक्ट मिलने लगा टीचर्स का, मेरे क्लासमेट्स का, पापा का एंड मामा का बहुत सपोर्ट रहा है. सो आई हैव ऑलवेज फॉलोड माई हार्ट बिकॉज ऑफ देम. जब मेरा MBA कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे जॉब मिल गई थी. आई वॉज वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जितना मैं ट्राई कर रहा था कि अपना जॉब पे फोकस करूं एंड काम को और अच्छे से और सीरियसली लूं, उतना मेरा म्यूज़िक पीछे छूट रहा था. सो आई रियलाइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू परस्यू. तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ प्रोफेशनली म्यूज़िक परस्यू करता हूँ. मम्मा को बहुत नॉलेज है म्यूज़िक का. शी इज़ MA इन क्लासिकल म्यूज़िक. जब मैंने क्लासिकल प्रॉपर सीखना शुरू किया तो जो मेरे नोट्स रहते थे, जो मेरे सर मुझे नोट्स दिया करते थे, सो माई मॉम यूज़ टू गो थ्रू ऑल दोज नोट्स एंड एवरीथिंग. वो मुझे करेक्ट किया करते थे घर पे. तो दैट रियली हेल्प मी अ लॉट. एंड आई वुड से कि एक एज अ म्यूजिशियन एक ओवरऑल डेवलपमेंट मेरा हुआ. क्लासिकल सीखने से पहले मैंने एक मूवी के लिए गाना रिकॉर्ड किया था, तो एंड अनफॉर्चुनेटली वो मूवी नहीं बन पाई. बट वही होता है ना कि एक टर्म है, मतलब अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो वो हुआ मेरे साथ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक लेसन मिला कि मुझे क्लासिकल सीखना चाहिए, एंड सेकेंडली मुझे एक बहुत अच्छे एक मेंटर के रूप में एक इंसान मिले जिनका नाम है आर्यन तिवारी. सो ही इज़ लाइक माई गाइडिंग स्टार, एंड वो मुझे हमेशा से बहुत गाइड करते आए हैं. एक और इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ कि मैंने एक सीरियल में एक छोटा सा रोल किया था, तो उसमें भी मेरा रोल जो था एक सिंगर का ही था. जो मेन लीड है उसके फ्रेंड का मैं रोल प्ले कर रहा था एज अ सिंगर. बट अनफॉर्चुनेटली जब वो टेलीकास्ट हुआ तो दैट वॉज ऑल्सो डिलीटेड. बट आई थिंक इन सब चीज़ों से इंसान बहुत सीखता है, एंड इट रियली हेल्प्स यू टू ग्रो एज अ म्यूजिशियन. कॉन्टेस्ट हुआ था, लव जताओ कॉन्टेस्ट, पैराशूट जैस्मिन एंड सॉन्ग डियो के साथ. आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वन ऑफ द विनर्स. लाइक 5 वॉइसेज हैव बीन चूजन ऑल इंडिया एंड आई एम वन ऑफ देम. तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग है. सो अब जो हो रहा है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. फाइनली एक नया वीडियो आने वाला है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड आई होप पीपल हु लिसन टू इट दे अप्रिशिएट इट एंड दे लाइक इट.